उत्तराखंड में मौसम में परिवर्तन की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग ने बुधवार के लिए पिथौरागढ़, चंपावत, अल्मोड़ा, नैनीताल, बागेश्वर जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं 28 सितंबर तक मानसून की बारिश की उम्मीद भी जताई गई है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि प्रदेश भर में 25 सितंबर से मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। ये बदलाव 28 सितंबर तक देखने को मिलेगा। हालांकि इसके बाद मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन तापमान में अच्छी गिरावट देखने को मिलेगी। 25 के लिए देख रहे हैं तो कुछ जगहों तक में, खासकर कुमाऊं रीजन में मिलनी चाहिए, और कहीं कहीं पर जो है, जो हमारा गढ़वाल रीजन भी है उसमें भी, उत्तराखंड में मिलनी चाहिए 25 तारीख में। तो इस तरह की स्थिति है। आज भी अगर देखेंगे 24 को, तो आज भी आइसोलेटेड एक्टिविटी खासकर हिल्स में या अंदर के डिस्ट्रिक्ट में, उनमें कहीं कहीं मिलनी चाहिए। तो आप देखेंगे कल से जो ये तापमान है आपका, इसमें कमी आनी चाहिए। आज तो हो सकता है कि ये वैल्यू इतना रह जाए, तो ये स्थिति बनी है। तो इसमें मुख्य कारण यही है कि 4 से 5 दिन कोई बारिश नहीं हो रही है, आसमान साफ है और अच्छी खासी जो धूप है वो निकल रही है, और साथ में जो हवा की दिशाओं में भी परिवर्तन है, अभी तक वो नहीं आया है। जो मानसून का एक तरह से जो है साउथ ईस्टर्न विंड्स है, वो अभी बनी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सब फैक्टर्स को लेंगे तो आप देखेंगे टेम्परेचर उसी वजह से ये जो है इस समय बढ़े हुए आपको दिख रहे हैं। लेकिन 2 दिन 1 दिन बाद आप इसमें देखेंगे, इसमें राहत मिल जाएगी, और उसके बाद बारिश की एक्टिविटी 28 के बाद से कम हो जा रही है। 29-30 से जो बारिश करीब करीब फिर से वापस साफ हो जाएगा आसमान, और फिर आप देखेंगे जो विंड्स भी है वो भी चेंज होंगी, उत्तर पश्चिम हवा आनी चाहिए, और फिर तापमान जो है मैं कहूँगा सामान्य के आसपास ही या 1-8 डिग्री ऊपर नीचे आप कह सकते हैं वो रहेंगे। 25